आज की हमारी बेसिकली वीडियो होने वाली है एक बहुत ही रेनाउंड डेवलपर की, जिसका नाम आपने थंबनेल में देख लिया होगा। यस, यू आर राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट एल्डिगो, जो कि सोनीपत में अपना दूसरा प्रोजेक्ट लेके आ चुका है। ऑल दो आप लोगों ने इसके बारे में पहले भी सुना होगा, लेकिन उस टाइम जो प्लॉट साइजेस थे वो 120-110 के आसपास का साइज़ था। मेरे पास अभी 83 स्क्वायर यार्ड का भी यहाँ पे आपको प्लॉट मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक सुना, अब आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो करोड़ के नीचे आ गई है। सिर्फ और सिर्फ 83 गज का प्लॉट भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, वो भी बहुत ही अच्छे रेट पे। ज़्यादा जानकारी के लिए पूरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। हाय गाइज, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं फ्लैट गैलरी ब्लॉग्स का बिल्कुल ब्रांड न्यू वीडियो। आज की जो हमारी लोकेशन होने वाली है, सोनीपत सेक्टर 33 की लोकेशन होने वाली है, जहां पे मैं आप लोगों के लिए दीनदयाल जन आवास योजना की प्लॉट्स लेके आया हूं, वो भी मिक्स सेगमेंट के अंदर, जहां पे 83 स्क्वायर यार्ड से लेके 179 स्क्वायर यार्ड तक के यहां पे आपको प्लॉट्स मिल जाएंगे। लोकेशन हमारी बहुत ही अमेजिंग है। एज यू कैन सी इन माई बिहाइंड, ये आपको एक रोड दिख रहा है, ये हमारा 60 मीटर का रोड है जो कि कनेक्ट होता है NH-334B से, जो कि हार्डली हमारे प्रोजेक्ट से 1 मिनट के ड्राइव पे है। और वही NH-334 भी हमारा NH-44 दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे को कनेक्ट करता है, जो कि हमारा हार्डली यहाँ से ड्राइव की अगर मैं बात करूँ तो पाँच मिनट भी नहीं है, दो से तीन मिनट के ड्राइव पे आपको NH-44 यानी दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे आपको यहाँ पे मिल जाता है। बात कर लेते हैं एल्डिगो के बारे में। तो एल्डिगो का जो पहला प्रोजेक्ट है डिलीवर्ड, वो है एल्डिगो काउंटी यार्ड के नाम से, वो भी NH-44 के ऊपर है, जिसका इस टाइम जो रेट है, मैं बिफोर और आफ्टर रेट दोनों बता देता हूँ। जो पहले का जो हमारा रेट है वो रेट है हमारा 10,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड के नाम पे, वो इस टाइम बिक रहा था। अगर आप अभी इस टाइम इन्वेंट्री अगर आप जाके देखेंगे तो 110,000 से 120,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड का रेट उस टाइम उसका हो चुका है। तो अगर आप उनके फेज़ टू, मतलब अगर उनके आप सेकंड प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो कि हमारा एल्डिगो अमाया और एल्डिगो अमोर दो फेजेस में आ चुके हैं। एल्डिगो अमाया हमारा ऑलमोस्ट 100% सोल्ड आउट हो चुका था, उसके अंदर कुछ इन्वेंट्रीज मेरे पास आई हैं कैंसिलेशन वाली, और एल्डिगो अमोर के अंदर मेरे पास कुछ इन्वेंट्री हैं फ्रेश की, कुछ रीसेल्स की हैं, बहुत अच्छी अच्छी इन्वेंट्री मेरे पास अवेलेबल हैं। प्राइजेस अगर जानना है तो उसके लिए आप मेरे को स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, क्योंकि प्राइस आपको 101% पता होगा कि मार्केट में इस टाइम क्या प्राइस चल रहा है। बट मैं प्राइस इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि आप मेरे को कॉल करेंगे तभी मैं आपको फ़ोन पे अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा कि इसका एग्जैक्ट प्राइस क्या है। और थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं सोनीपत और आसपास के डेवलपमेंट की कर लेता हूँ, क्योंकि आपको इस टाइम सोनीपत में ही इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए। आपने इससे पहले गुड़गांव के बारे में बहुत सुना होगा, नोएडा के बारे में बहुत सुना होगा, इनफैक्ट नोएडा अभी भी चर्चे में है क्योंकि वहाँ पर जेवर एयरपोर्ट आ रहा है, और जेवर एयरपोर्ट की वजह से नोएडा का पूरा नाम पूरा नक्शा चेंज हो चुका है, क्योंकि एशिया का सबसे लार्जेस्ट एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट होने वाला है, जो कि 2026-27 में अपनी फर्स्ट फ्लाइट टेक ऑफ करेगी वहाँ से। अब मैं बात कर लेता हूँ गुड़गांव की, गुड़गांव इतना ज़्यादा पॉपुलर क्यों हुआ है। सबसे पहले तो वहाँ पर आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी मिल जाती है, द्वारका सेक्टर 21 से आपको एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी मिल जाती है, जो कि गुड़गांव के सबसे नियरेस्ट पड़ जाता है। गुड़गांव के अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलर प्रोजेक्ट हुआ था DLF। और बात करें और क्या क्या था गुड़गांव में, द्वारका एक्सप्रेसवे नाम का एक प्रोजेक्ट था जो काफ़ी टाइम से पेंडिंग था, जो लास्ट 2 मंथ पहले ही ऑपरेशनल हुआ है, और वहाँ पे जितनी डेवलपमेंट होनी थी वो सारा कुछ हो चुका है। तो गुड़गांव के अंदर अब ऐसा एज सच कुछ नहीं है जो कि डेवलप होना था, जो डेवलपमेंट आई है उस डेवलपमेंट के हिसाब से लोगों ने इन्वेस्टमेंट करी और उनको बहुत अच्छा अप्रिसिएशन मिल चुका है। वाई सोनीपत के अंदर अगर आप देखेंगे तो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट आने वाली है, क्योंकि गूगल जैसा ब्रांड अब सोनीपत में आ चुका है अपनी बिल्डिंग लेके। यहाँ पे गूगल अपना ऑफिस, यहाँ पे कॉर्पोरेट ऑफिस यहाँ पे बनाने जा रहा है, जहाँ पे गूगल का यहाँ पे ऑफिस होने वाला है, तो ये भी एक सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है आपको। दूसरा यहाँ पे आपको मिल जाता है मारुति का EV प्लांट, जो कि अपने एग्जैक्ट इस साइड से 5 से 10 मिनट के ड्राइव पर आपको खरकोदा मिल जाता है EV प्लांट, जो कि 800 से 900 एकड़ के अंदर हमारा EV प्लांट होने वाला है, जहाँ पे इतने ज़्यादा लोगों की एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। तो जब वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी तो उनको आसपास में रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट बिल्कुल रिक्वायर्ड होगा। तो सबसे नज़दीक हमारा गोदरेज और एल्डिगो ही पड़ता है, जो कि अगर आप खरकोदा से सोनीपत की तरफ आते हैं तो, और कनेक्टिविटी वाइज बहुत अच्छी है। यहाँ पर आपको वर्ल्ड क्लास एम्यूनिटीज़ मिल रही हैं, गेटेड सोसाइटी हमारी होने वाली है। एल्डिगो ने अपने बहुत सारे प्रोजेक्ट पहले भी डिलीवर्ड किए हुए, ऑलमोस्ट इंडिया में सारे स्टेट्स में उन्होंने अपना कोई ना कोई प्रोजेक्ट डिलीवर्ड किया हुआ है, और ऑलरेडी वो सारे प्रोजेक्ट ऑपरेशनल भी हैं। और मैं बात कर लेता हूँ सोनीपत की, तो वंदे भारत की जो ट्रेन के कोचेज़ हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग भी यहाँ पर होने वाली है, या यूँ कह लो कि यहाँ पर उनकी असेंबलिंग होने वाली है।
और जो उसका प्लांट भी यहाँ पे लगने जा रहा है, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। हीरो जैसा ब्रांड यहाँ पे अपने प्लांट लगाने जा रहा है, महिंद्रा का यहाँ पे प्लांट लगने जा रहा है। बात करें रेलवे कनेक्टिविटी की, तो DMRC की जो रेलवे, उन्होंने भी न्यूज़पेपर में अपना आर्टिकल छाप दिया है कि खरखोदा जो रोहिणी वाली लाइन है वो एक्सटेंड होकर सोनीपत तक आ रही है। रेड लाइन हमारी एक्सटेंड होकर सोनीपत तक आ रही है, क्योंकि इससे पहले इसलिए नहीं आई क्योंकि यहाँ पे आने का कोई कारण नहीं था लोगों का। लेकिन अब फ्यूचर में सबको पता है कि सोनीपत में इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है, गवर्नमेंट खुद इतनी इन्वॉल्व हो रही है, तो इसका कुछ ना कुछ फ्यूचर पे ज़रूर इसका डिपेंड होगा कि क्या क्या यहाँ पे होने वाला है। तो ये एक इनिशियल स्टेज है जहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, 83 स्क्वायर यार्ड आप समझ सकते हैं। पहले यहाँ पे जो साइजेस होता था 109 गज 110 गज मिनिमम था, उसका प्राइस ऑलमोस्ट 1 crore के आसपास जाता था, लेकिन अब जो प्राइस आ गया है वो 1 crore के नीचे है। कितना नीचे है उसके लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आपको कॉल करना पड़ेगा। प्राइजेज मैं आपको बताऊंगा तभी जब आप मेरे को कॉल करेंगे, और अगर आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करके आएंगे तो डेफिनेटली मैं आपकी जो बेस्ट होगा ऑन टेबल मैं खुद नेगोशिएशन के लिए आपके साथ बैठूंगा। और हमारे साथ लेने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि वी आर नॉट अ डीलर, वी आर नॉट अ एजेंट, वी आर अंडरराइटर। हमारे पास UP रेरा, दिल्ली रेरा, हरियाणा रेरा, पंजाब रेरा, गोवा रेरा, ऑल्सो हमारे पास मुंबई रेरा एंड दुबई रेरा है। तो हम लोग इस तरीके से 6-7 रेरा के साथ ऑपरेट कर रहे हैं, हमारी टीम हर एक जगह बैठी हुई है गुड़गांव के अंदर। अगर अब मैं सोनीपत में बात करूं तो पर्टिकुलरली सोनीपत के अंदर सेक्टर 83 में हमारा खुद का ऑफिस है जहां से हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं। हमारी प्रॉपर टीम है, डॉक्यूमेंटेशन की टीम है, फील्ड है, राइडर बॉय है, हर एक तरीके की सर्विस आपको यहाँ पे मिलेगी। प्राइस की श्योरिटी मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हम लोग अंडरराइटर हैं, तो हम लोग जब इनिशियल स्टेज पे जब प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला होता है हम लोग तभी उसमें से कुछ ना कुछ इन्वेंट्री अपने पास एकदम मिनिमम से अमाउंट के अंदर होल्ड कर लेते हैं और उसको हम फिर मार्केट में कम प्राइस में सेल करते हैं, जिससे हमारा और आपका लिंक अच्छा बने, रिलेशन बिल्ड हो और फ्यूचर में आपको हमसे फ्यूचर में हमें आपसे अच्छे रेफरेंसेस मिले। तो ज़्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पे मेरा नंबर हाईलाइट हो रहा है। प्लॉट साइजेस मैंने बताया मिनिमम 83 गज और मैक्सिमम 179 स्क्वायर यार्ड। मेरे पास हीरो अर्थ है, मेरे पास गोदरेज है, मेरे पास एल्डिगो है, मेरे पास PP ग्रुप है, मेरे पास मंशा है, मेरे पास मैप्सको है, मेरे पास सेफ्रॉन है, मल्टीपल ब्रांड्स मेरे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आपको किसी भी ब्रांड में कुछ भी अगर आपने रीसेल भी करना है तो आप मेरे को उसी नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फील फ्री टू कॉल मी एनी टाइम, आप मेरे को कभी भी कॉल करें। समटाइम मैं बिजी होता हूँ तो डेफिनेटली मैं आपको कॉल बैक करूँगा, और सबसे बेस्ट होगा कि अगर आप मेरे को व्हाट्सएप कर देंगे तो आपका नंबर भी मेरा नंबर आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव भी हो जाएगा और फ्यूचर में हम लोग कुछ ना कुछ काम जरूर करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।